स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में, मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स और उसके एडवर्ब क्लॉज की। कल हम लोगों ने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ा और उसके मैंने बताया था कि केवल पांच शब्द जान लो और पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, और आपने किया होगा। यह आई विश एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो पांच ऐसे मैजिकल वर्ड हैं जिनका यूज करके आप कम से कम 55 से 58 क्वेश्चन की जो आपकी एक्सरसाइज है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई कमेंट भी नहीं आया कि आप फंसे हो, तो इसका मतलब है कि वो क्लियर हुआ है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज में हमें टोटल 9 तरह के टॉपिक पढ़ने हैं जो मैं यहां पर आज क्लियर करूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का भी, और इससे रिलेटेड करीब 25 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, वो भी आप कर लेंगे। बस यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको हो सकती है कि आप इसका सही यूज अगर नहीं कर पाए, सही हिंदी नहीं निकाल पाए सेंटेंस की, तो आप बिल्कुल ये मान के चले कि सेंटेंस आपका गलत हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम लोग कंजंक्शन की बात करने जा रहे हैं। कंजंक्शन का सही यूज तभी किया जा सकता है जब हम सेंटेंस की सही हिंदी निकालते हैं और उसी कंजंक्शन को फिट कर देते हैं, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। और प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे 7 बजे की क्लास आपको समय पर मिल जाए। फिर चलिए बढ़ते हैं अगला, कि इसमें हम लोगों को 9 तरह के टॉपिक पढ़ने, और पहला है कि टाइम यानी समय को प्रकट करने वाले कंजंक्शन। हम यहां पर बात करेंगे कंजंक्शन की, तो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जो किन किन कंडीशन में आते हैं। अब सबसे पहले बात मैं करूंगा टाइम की, यानी समय को प्रकट करने के लिए या समय का भाव प्रकट करने के लिए जो कंजंक्शन होते हैं उनमें सबसे पहला नंबर आता है व्हेन का, और व्हेन मतलब होता है जब, व्हेनेवर मतलब होता है जब भी, ठीक है। टिल मतलब होता है तक, अंटिल मतलब होता है तब तक, एज लॉन्ग एज यानी जब तक, ठीक है, एज सून एज यानी जितनी जल्दी हो सके, या हां इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, और सिंस का मतलब भी होता है जब से, सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, क्योंकि ये कंजंक्शन, और मैं आपको बता दूं आप इतने ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन, इनका ये सारे यूजेस भी अगर आप चाहते हैं बचना तो आप इनको यूज ना करें, क्योंकि ये सभी कंजंक्शन आए हैं किसके लिए, टाइम को दिखाने के लिए। और टाइम को दिखाने के लिए अगर आप केवल व्हेन का भी यूज कर देंगे ना, तब भी आप समझिए कि आपकी नैया पार है, क्योंकि व्हेन का भी यूज हो सकता है जहां पर, वहीं पर तो इन सब का भी यूज हो सकता है, या इन सब का जहां यूज हो सकता है वहां व्हेन का भी यूज हो सकता है, क्योंकि ये सभी वर्ड कंजंक्शन यानी टाइम को दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो क्लियर हो गई बात कि हमें इनका यूज कैसे करना है। कल मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वाले सेंटेंस को फर्स्ट पे और फर्स्ट को सेकेंड पर रखकर सेंटेंस को हम लोग आराम से बना सकते हैं। अब यहां पर बात यह, जैसे सेंटेंस है कि ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एसे लिख रहा था, वो मेरे पास आया जब मैं एसे लिख रहा था, या मैं एसे लिख रहा था जब वो मेरे पास आया, दोनों तरफ से जब की ही आ रही है, तक तब तक जब तक जितनी हो जल्दी हो सके जब से, या जब भी का तो सेंस नहीं आया ना। तो इसी तरह से हिंदी निकालो और फिर ये श्योर हो जाओ कि यहां पर क्या समय की तो बात नहीं की जा रही है, और अगर समय की बात की जा रही है तो आपको यही करना है कि ही केम टू मी, और फिर उसके बाद कंजंक्शन क्या लोगे, व्हेन, ठीक है, वो मेरे पास आया जब आई वॉज राइटिंग एन एसे, आई वॉज राइटिंग एन एसे, जब मैं एसे लिख रहा था तब वो मेरे पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी या जा चुकी थी, दे रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंचे, तो भैया इसको ऐसे करो कि वो स्टेशन पर पहुंचे जब ट्रेन जा चुकी थी, या ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पर पहुंचे, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन, उसके बाद दे रीच्ड द स्टेशन। अब आपके सामने जो एक्सरसाइज है
एक्सरसाइज नंबर जो 11 है उसमें करीब 35 क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज नंबर 11 में 35 क्वेश्चन दिए हैं जो एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड है। उन 35 क्वेश्चन में से बस आपको उनकी हिंदी निकालना है, और जो 9 टॉपिक आज पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पहला है, दूसरा वाला जो टॉपिक होगा वो प्लेस यानी प्लेस को प्रकट करने वाले कंजंक्शन की बात मैं करूंगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंजंक्शन याद रखना है, सेंटेंस की हिंदी निकालो, उसको बीच में सेट करके आगे बढ़ जाओ, कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। तो इतना ध्यान देना, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ यही देखना है, यही जानना है, यही याद रखना है, ठीक है। विन का ज्यादा यूज होता है इसलिए विन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वाले में चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है प्लेस यानी स्थान का भाव प्रकट करने या स्थान को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शन के रूप में किन शब्दों का यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि स्थान के लिए सबसे जो बेहतरीन और सबसे इफेक्टिव वर्ड है वो है वेयर, और वेयर का जो मतलब होता है वो आपको पता होगा कि इस वेयर का मतलब होता है जहां, और वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी। वेयर और वेयर एवर यानी दो शब्द ऐसे हैं जो प्लेस के लिए मुख्य कंजंक्शन का स्थान ग्रहण करते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस है कि दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है, आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में पढ़ा था, यानी ये वही स्कूल है जहां मैं अपने बचपन में पढ़ा था। अब देखो जहां मेरे जबान पर अपने आप आ गया, मैंने सोच समझ कर नाम नहीं लिया, लेकिन जहां शब्द अपने आप आया कि ये यही वही स्कूल है जहां मैं बचपन में पढ़ा था। अब जहां का सेंस आया तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा कि दिस इज द स्कूल, ऐसे ही करेंगे आप, दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट, ऐसे ही लिख दोगे, दो नंबर क्लियर, आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, हो गया, आराम से हमने बना लिया। वेयर एवर का भी कर सकते थे, वेयर एवर का जैसे सेंटेंस क्या है कि नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, नेहरू कई जगह गए, उनका हर जगह स्वागत हुआ, तो इसका मतलब नेहरू जहां भी गए वहां उनका स्वागत हुआ, तो नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट, नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। तो वेयर एवर का भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज अगर प्लेस को दिखाने के लिए होता है तो वो है वेयर। एक सेंटेंस और भी है कि ही लिव्स एट अ प्लेस नो बडी लिव्स देयर, तो ही लिव्स एट अ प्लेस वेयर नो बडी लिव्स। अब देयर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी देयर के लिए यहां पर प्लेस का इस्तेमाल कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रीजन, यानी रीजन यानी कारण का भाव प्रकट करने के लिए या कारण को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शन, जिसमें आता है बिकॉज सिंस और एज। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सिंस का मतलब भी होता है क्योंकि, और एज का मतलब भी होता है क्योंकि। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि तीनों में से किसी का भी यूज हम यहां पर कर सकते हैं। अब फर्क क्या है कि सिंस और एज का यूज हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, जबकि बिकॉज का यूज हमेशा दो सेंटेंस के बीच में होता है। तो यहां पर सिंस और एज आएगा, लेकिन यहां पर हमेशा बीच में बिकॉज का यूज किया जाता है। तो अब आप समझ गए कि अगर कोई चीज किसी चीज का कारण है, कोई चीज किसी चीज का कारण है, तो हम बिकॉज या सिंस या एज का प्रयोग बीच में या शुरुआत में करेंगे। अब आपके सामने सेंटेंस है कि ही इज वीक, वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है ना। तो इसको अगर बनाना चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं कि आई शैल टीच हिम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप सेकेंड सेंटेंस को भी पहले ले सकते हैं, तो आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, आप ऐसे बना दीजिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एज ही इज वीक आई शैल टीच हिम कॉमा लगा के, क्योंकि वह कमजोर है मैं उसे पढ़ाऊंगा, या सिंस ही इज वीक आई शैल टीच हिम
मैं उसे पढ़ाऊं, क्योंकि वह कमजोर है मैं पढ़ाऊंगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि बिकॉज का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में होता है, जबकि एज और सिंस का यूज हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में होता है। क्या बताने के लिए? तो भैया कारण, कारण क्या है? वह कमजोर है इसलिए मैं उसको पढ़ाऊंगा। उसी तरह दूसरा है, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय दिस बुक, वह इस किताब को नहीं खरीद सकता। तो वह इस किताब को नहीं खरीद सकता क्योंकि वह कमजोर है, क्योंकि शब्द आया। तो तुरंत आप इसको पहले इधर लेके आए कि ही कैन नॉट बाय दिस बुक, ठीक है, बिकॉज कर दो, बिकॉज ही इज वेरी पुअर, यहां तक हो गया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एज ही इज वेरी पुअर, क्योंकि वह बहुत गरीब है, कॉमा लगाकर ही कैन नॉट बाय ए बुक, बाय दिस बुक, या सिंस ही इज वेरी पुअर कॉमा करके ही कैन नॉट बाय दिस बुक। तो ये तीन आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे की ओर। नंबर फोर है रिजल्ट, यानी परिणाम को प्रकट करने या प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शन। तो परिणाम को प्रकट करने के लिए, रिजल्ट को प्रकट करने के लिए मुख्य कंजंक्शन के रूप में सो दैट का प्रयोग होता है। सो मतलब होता है इतना, और दैट का मतलब होता है कि। अब देखिए इसको मैंने अलग अलग नहीं किया, मैंने डैश डैश किया। क्यों? क्योंकि इतना यानी जो सो का प्रयोग है वो एक सेंटेंस में होगा, जबकि दूसरा सेंटेंस शुरू होने से पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो इतना और की का सेंस होगा। अब कैसे होगा ये देखते हैं। सो और दैट अलग अलग यहां यूज हो रहे हैं। अब जैसे ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत कमजोर है, वो बहुत गरीब है। ही कुड नॉट स्टडी, वह पढ़ नहीं सकता। तो यहां पर इस वेरी की जगह पर हमें काम करना क्या है कि ही वॉज वेरी की जगह पर सो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी वेरी आएगा कॉम्प्लेक्स में, सेंटेंस में, तो आपको उसकी जगह पर सो का प्रयोग करना है। तो ही वॉज सो पुअर, और फिर क्योंकि ये फुल स्टॉप है और दूसरा सेंटेंस हमें शुरू करना है, तो इसके पहले क्या यूज करना है? दैट। तो सो और दैट का यूज कर लिया हमने। और यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो डैश डैश था, यहां पर हम एडजेक्टिव भर सकते थे। तो ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट स्टडी, आप इसको ऐसे कर दीजिए। नेक्स्ट है द टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक। तो वही करना है कि द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, आराम से हो जाएगी ये चीज। पर्पज यानी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए या उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शन में सो दैट ये साथ में आते हैं, जिसका मतलब होता है ताकि। अभी ये और सो और दैट अलग अलग था, लेकिन जब सो दैट साथ में आ जाएंगे तो इसका मतलब होता होगा ताकि। और लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, ये होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले जा रहा हूं, उसको ध्यान देना कि सो दैट के बाद, क्योंकि ये कंजंक्शन है, इसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसमें हम मे या माइट का प्रयोग, अगले वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो मे या माइट होगी। जबकि लिस्ट अगर कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है तो इसके बाद, यानी इसके बाद लिस्ट का यूज करने के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब शुड होगी, ठीक है, शुड होगी। अब आते हैं अपने इधर कि आई ड्रू माई स्वर्ड, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है ड्रू, मैंने अपनी तलवार खींची या निकाली। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को बचाना चाहता था। मैंने अपनी तलवार खींची ताकि मैं अपने आप को बचा पाऊं, ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा ना हो कि, और कि मैंने अपनी तलवार खींची कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को बचा लूं, है ना। तो आराम से सो दैट का यूज करोगे। तो आई ड्रू माई स्वर्ड और फिर सो दैट का प्रयोग ताकि। आई, है ना, वांटेड है लिखा हुआ है तो वांटेड छोड़ो, आई मे या माइट कर दो। आई माइट डिफेंड, फिर वांटेड का यूज हटाना होगा, ठीक है। आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ये कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा है वॉक स्लोली, धीरे चलो, तो यू मे फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। तो धीरे चलो ताकि तुम गिर जाओ, या धीरे चलो ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ,
तो आराम से आप लिस्ट का यूज करें कि वॉक स्लोली लिस्ट, है ना, यू और मे की जगह क्या होगा शुड, मैंने बताया आपको, तो यू शुड फॉल डाउन। क्लियर हो गई बात, आपको ऐसे करना है, ऐसे समझना है, ठीक है। इसका दो और है उसको भी देख लेते हैं। मैनर नंबर सिक्स है, मैनर यानी ढंग प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शन। मुख्य कंजंक्शन में एज का यूज किया गया है और एज मतलब आपको पता है कि जैसे क्योंकि होता है उसी तरह होता है जैसा या जैसे, जैसा या जैसे, एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, ठीक है। और जैसे का सेंस यहां पर है कि यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मुझे एक तरीके से ट्रीट किया। यानी जब आप किसी घर जाते हैं, अगर वो आपको पानी के लिए भी नहीं पूछता तो वो आप जवाब, वो ही लड़का आपके घर आएगा तो आप उसको पानी के लिए पूछेंगे क्या? हो सकता है कि आपका दिल बड़ा हो, आप चाय पानी नाश्ता करवा दें, लेकिन जो हम लोग बोले जो एक बचपना जो एज होती है कि उसने मुझे पानी नहीं पिलाया तो मैं भी नहीं पिलाऊं, चाहे मर जाए सारा प्यासन, है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे तुमने मुझे ट्रीट किया था वैसे ही मैं तुमको ट्रीट करूंगा, है ना। ऑब्वियस ही बात यही होता है। तो जब इसको बात, इसकी बात हम लोग करते हैं तो आपको क्या करना है कि यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, आप यहां पर सेकेंड सेंटेंस से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सेकेंड वाला क्या है कि आई विल ट्रीट यू ठीक है इन द सेम वे उसके बाद एज यू हैव ट्रीटेड मी, बस इतना लिख दीजिए, एज यू हैव ट्रीटेड मी, यानी जैसे को तैसा बोलते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि as you sow, so shall you reap, है ना, so shall you reap, यानी जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो as यानी यहां पर वही चीज है कि जैसा आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं उसी तरह आपके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं यानी सेवन नंबर कंडीशन यानी शर्त के लिए। तो शर्त के लिए मुख्य कंजंक्शन एक ही चीज होती है भैया, वो होती है इफ। इफ से बड़ा कोई शब्द शर्त को प्रकट करने के लिए नहीं हो सकता। इफ से बड़ा कोई भी शब्द शर्त को प्रकट करने के लिए नहीं हो सकता है। अब जैसे भी, जैसे ही हम यू, एक बात सबसे बड़ी बात थोड़ा जान लें आप लोग कि जैसे ही हम इफ से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं ना, तो ये याद रखना कि इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, जबकि दूसरा वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल फ्यूचर में होता है। अब यहां पर है डू नॉट वर्क टू मच, तो आप इसको ऐसे करें कि इफ डू नॉट की जगह आप यू लेके आए कि इफ यू वर्क टू मच, कि अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे, अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो भैया तुम्हारा जो वेट है या तुम्हारी जो शरीर है ये वो क्या हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। तो यहां पर आप समझ गए कि इफ यू वर्क टू मच कॉमा करके यू विल लूज योर हेल्थ। हमने इफ के बाद वाला ये जो सेंटेंस है इसको सिंपल प्रेजेंट में रखा है, देख सकते हैं आप, जबकि ये वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर टेंस में हमने रखा है, ठीक है। इसके बाद मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सॉल्व एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाऊंगा और जो भी इसके एक दो पार्ट छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, उनको भी मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े और उनका एग्जाम सामने है तो उन्हें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। शेयर जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, लाइक कर देना भाई, इससे अच्छा हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, पैसा थोड़ी मिल रहा है और लाइक करने में जा क्या रहा है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।